आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार हंडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है. सबसे पहले सुर्खियों पर. प्रधानमंत्री मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति. वरिष्ठ अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार. श्री समालेवी का जन्मोत्सव महाप्रसाद के साथ मनाया गया. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन. पालक मंत्री के समक्ष बार एसोसिएशन का प्रस्तुतिकरण. निपानी के पास रिक्शा पलटने से एक महिला की मौत. नगर निगम की बजट बैठक मंगलवार को. विश्वकर्मा जयंती विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाई गई. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. तब से प्रधानमंत्री को दुनिया भर में लोकप्रियता मिली है. सत्ता में आने के बाद से उन्होंने दुनिया भर के कई नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं. साथ ही से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिला. उन्होंने भारत में कई विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए और दुनिया भर से नेताओं को भारत लाए. साथ ही युद्ध, कोरोना वायरस जैसी आपात स्थिति में भी भारत ने संबंधित देश का साथ दिया है. लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता गया. अब एक और सर्वे सामने आया है और इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है. वरिष्ठ अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार. अशोक सराफ मराठी धरती का असली हीरा है. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करना गर्व की बात है. राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ को और गीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार अनुभवी पार्श्वगायक सुरेश वाडकर को गुरुवार को प्रदान किया गया. श्री समादेवी का जन्मोत्सव महाप्रसाद के साथ मनाया गया. समाधेवी गली में जो बेलगाम शहर में जागरूक भक्ति है, समाधेवी का वार्षिक जन्मदिन समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ. इस पर्व के अवसर पर शुक्रवार को महाप्रसाद का आयोजन किया गया. हजारों श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया. दोपहर में मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया. महाप्रसाद वितरण से पूर्व धार्मिक कार्यक्रम किए गए. शुक्रवार को नवचंडी का होम का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे निधन हो गया. उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली. मनोहर जोशी को गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ा. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनके निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक फैल गया है. उन्होंने शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनने का सम्मान हासिल किया था. उनके निधन से शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने एक बीनी शिलेदार खो दिया. उन्होंने कोहिनूर शैक्षिक संस्थान की स्थापना करके प्रिंसिपल की उपाधि भी अर्जित की.
पालकमंत्री के समक्ष बार एसोसिएशन का प्रस्तुतिकरण। बेलगाम बार एसोसिएशन ने यहाँ जिला अदालत क्षेत्र में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली से ऐसी मांग की है। इस संबंध में विभिन्न मांगों का ज्ञापन उन्हें दिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष SS कीर्दसनावर के नेतृत्व में गुरुवार को जारकीहोली को एक बयान दिया गया। सरकार ने वकीलों को 90 अधिवक्ता चैम्बर मुहैया कराया है, लेकिन नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक चैम्बर पर्याप्त नहीं है। वकीलों और वादकारियों के लिए अदालत परिसर में बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त है। दोनों कोर्ट परिसरों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कोर्ट परिसर में पर्याप्त पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए आदि मांगों का उल्लेख उस बयान में किया गया है। निपानी के पास रिक्शा पलटने से एक महिला की मौत। निपानी चतराट मार्ग पर रिक्शा पलटने से एक महिला यात्री की मौत हो गई। हादसे में मृतक का नाम इंदुभाई रामचंद्र मोरे है। इस दुर्घटना में अप्पासु नाईक पाटिल और सुरेखा पाटिल पति पत्नी है और सिंधु नराटे सभी निवासी है। जतरात घायल हो गए। घायलों का इलाज यहाँ के महात्मा गांधी अस्पताल में किया गया। नगर निगम की बजट बैठक मंगलवार को। फरवरी माह में नगर निगम का बजट पेश होगा या नहीं, हालांकि इसको लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। अब मंगलवार 27 तारीख को बजट बैठक का आयोजन किया गया है। अंतः कर्मचारी मार्च माह में वेतन का मसला सुलझ जाएगा और उन्होंने राहत की सांस ली है। विश्वकर्मा जयंती विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाई गई। SPM रोड पर विश्वकर्मा पांचाल मनुमय संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के साथ विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। सुबह विश्वकर्मा मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। होम हवन पूजा अभिषेक के बाद बसवन गैली की ओर से चांदी का मुखौटा पालकी यात्रा निकालते हुए पालकी पूजन भाजपा नेत्री किरण जाधव ने किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यहाँ ओरकर परिवार द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त की गई विद्यार्थियों को शिक्षा निधि दिया गया। शिक्षा निधि वितरण कार्यक्रम भाऊराव ककतकर कॉलेज में आयोजित किया गया। अध्यक्षता दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजा भाऊ ने की। नंदर के पास कार से पेड़ टकराने से 6 की मौत। खानापुर तालुके में बीड़ी कित्तू रोड पर एक पेड़ पर कार पाए जाने से कार में सवार 6 यात्रियों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। मारुति स्विफ्ट कंपनी की डिजायर कार में कुल 10 लोग सवार थे। समझा गया कि यह घटना तब हुई जब वलीमा कार्यक्रम के लिए बीड़ी के पास गोलेले गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। सूचना मिलने पर नंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए बेलगाम भेजा। ये दुर्घटना खानापुर तालुका के नंदगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत मंगनकोप गाँव के पास हुई। एस्पायर इंस्टीट्यूट के साथ विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय का समन्वय समझौता। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय ने उद्योग क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एस्पायर नॉलेज एंड स्किल इंडिया के साथ एक समन्वय समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार विश्वेश्वरैया छात्रों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने में विश्वविद्यालय का सहयोग करेंगे। यातायात नियोजन हेतु सामाजिक कार्यकर्ता की पहल। नेहरू नगर में रामदेव होटल के पास 2-लेन सड़क पर खतरनाक तरीके से विपरीत दिशा में जा रहे साइकिल चालकों को रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले की सराहना की जा रही है। नेहरू नगर में रामदेव होटल के पास डबल रोड पर कुछ बाइक सवार गदर साइड से विपरीत दिशा में जा रहे थे। इस मामले की भनक लगते ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने सड़क पर बाइक सवारों को रोका। उन्हें यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सड़क के गलत साइड पर बाइक न चलाने की भी सीख दी।
बाइकर्स ने भी अपनी गलती मानी और सही दिशा में आगे बढ़ गए। प्रसाद चौगले ने इस तथ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की कि रामदेव होटल के पास सिग्नल की उपस्थिति के बावजूद मोटर चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं। जीतो लेडीज विंग की एशियाना पहल के तहत सरकारी स्कूल को सहायता। एशियाना पहल को जीतो लेडीज विंग द्वारा अपनाई गई सरकारी स्कूल विकास परियोजना में लागू किया गया। सदाशिवनगर में सरकारी कन्नड़ स्कूल नंबर 26 को सहायता दी गई। शांति फोम्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से कांतिलाल जी पोरवाल द्वारा बेंच, ग्रीन बोर्ड और टेबल विजिट दायर किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में समूह शिक्षा अधिकारी श्रीमती लीलावती हिरेमठ उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से की गई। अध्यक्ष माया जैन ने स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधे को पानी देकर किया गया। कार्यक्रम संयोजक अभय हदिमणि और विक्रम जैन की पहल पर आयोजित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन ममता जैन ने किया। गोवा सड़क कार्य के लिए बेलगाम ट्रेडर्स फोरम का वक्तव्य। बेलगाम और गोवा का रिश्ता पुराना है। इस संबंध को मजबूत करने के लिए बेलगाम से गोवा संपर्क मार्ग का अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान स्थिति कठिन हो गई है और चोरला और अनमोड़ के माध्यम से गोवा को जोड़ने वाली सड़क को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए। ऐसी मांग बेलगाम ट्रेडर्स फोरम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की है। बेलगाम ट्रेडर्स फोरम ने गुरुवार को नितिन गडकरी से मुलाकात की जब वो बेलगाम रिंग रोड के निर्माण का उद्घाटन करने आए थे। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि संबंधित सड़कों पर युद्ध स्तर पर काम की काफी जरूरत है। इस अवसर पर मंच पर अध्यक्ष सतीश तेंदुलकर, सदस्य किरण गावड़े, अरुण कुलकर्णी और अन्य उपस्थित थे। लोकसभा के लिए कांग्रेस द्वारा मृणाल और प्रियंका के नाम की चर्चा। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने इसे पाने की कोशिश शुरू कर दी है। उसके तहत हर निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित विजेता उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है। लक्ष्मी हेबालकर के बेटे मृणाल हेबालकर बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र से और संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका चिक्कोड़ी निर्वाचन क्षेत्र से है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।